जा छोड़ दे मेरी वादी। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी कौम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर और तजियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। नादर मीर साहब, ISPR ने नया नया नगमा जारी कर दिया, पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज बन चुका है, आपके क्या जज्बात हैं? ISPR ने भी अभी बहुत अच्छा तराना कश्मीर पे और उसके ऊपर जो नेशनल सेंटिमेंट है, पूरे पाकिस्तान की आवाज है, वो रिलीज किया है एंड वी वेलकम इट, वी सपोर्ट इट होल हार्टेडली। और दूसरी बात है, पाकिस्तान की पॉलिसी भी अभी क्लियर है, इंशाल्लाह डेस्टिनेशन है श्रीनगर और एड ऑफ श्रीनगर, ऑल ऑफ कश्मीर विल कम टू पाकिस्तान, सारा कश्मीर पाकिस्तान में आएगा और आजादी मिलेगी कश्मीरियों को इस इंडियन ब्रुटैलिटी एंड जेनोसाइड से। और इसलिए आज के दिन हम सब ने ये ऐद करना है, जो कि पहले भी हम इसके लिए इतने साल से कश्मीरीज और पाकिस्तानी स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट वी विल जॉइन फॉर द फ्रीडम एंड लिबरेशन ऑफ कश्मीर एंड इट्स जॉइनिंग पाकिस्तान। कश्मीर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, अगर देखा जाए तो भारत जुल्म बर्बरियत से बाज नहीं आ रहा, एक साल होने के करीब है, पाकिस्तानी जो इकदामात हैं उनको किस नुक्ता नजर से देखते हैं और आलमी मंजरनामे को किस तरह से देख रहे हैं आप कश्मीर के हक में, कश्मीर के तनाजुर में? ये एक 5 अगस्त की आपको पता है कि बड़े अरसे से एक अहमियत है कश्मीर की जद्दोजहद के हिसाब से, कश्मीर के लिए जो खुद इस्तफादी की जो तहरीक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरियों ने जो शुरू की है, और आज के दौर में आज जब 350 दिनों का कर्फ्यू कश्मीर के अंदर है, उसमें ये जारी हो जाती है पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के अदारों की भी, कि इसकी कश्मीर के अंदर जो हालत है कश्मीरियों की और जिस तरह उनको कर्फ्यू के अंदर रखा गया है, जो उनके ऊपर जुर्म पाए जा रहे हैं, जिस तरह वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, छोटे बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ पे औरतों की सुरतरी की जा रही है, जिस तरह बूढ़ों की टांगे तोड़ी जा रही है, जिस तरह लोगों को अगवा किया जा रहा है, जिस तरह फैमिली की फैमिलीज है उनको तबाह किया जा रहा है, वो और बड़े। और आपको पता है UN कमीशन की जो एनओ की जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने भारत को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया है। कश्मीर का मसला बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में कोई भी हुआ तो वो कश्मीरियों की जो मर्जी है उसके मुताबिक हल होना है, आप हल के ऊपर थोप नहीं सकते, और कश्मीरियों की मर्जी है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। बिल्कुल, कश्मीरियों की मर्जी है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या जो भी उनके दिल में आता है अलग रहना चाहें तो भी उनकी मर्जी है। तजियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रसूल बख्श रईस साहब, जिस तरह से गजनफर अली साहब ने और नादर मीर साहब ने कहा कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और आखिर दम तक उनके साथ रहेंगे, आपके जज्बात क्या हैं और 5 अगस्त के बारे में क्या कहें? कई इदारों से हिंदुस्तान की बर्बरियत और रियासी तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ जिस अंदाज से मर्द, औरतें, नौजवान, बूढ़े सब उठ खड़े हुए हैं, सब दुनिया ने उनकी आवाज़ भी सुनी है और कुछ ममालिक ने और कुछ ममालिक के अंदर कानून दानों ने और कानून साजों ने और कानून साज इदारों ने भी मिल के हिंदुस्तान की जारहीत के खिलाफ करारदादें पास की हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि जहां पाकिस्तान के अवाम और रियासत पीछे नहीं रह सकते कि हमारी कश्मीरियों के साथ एक अरसा से तकरीबन ये समझ लीजिए कि एक सदी के लगभग से हम इकट्ठे उनकी जदोजहद में शरीक हैं। पहले उनकी जदोजहद महाराजा के खिलाफ थी, लेकिन जब महाराजा ने उनको हिंदुस्तान की रियासत के हवाले कर दिया तो उसके बाद से ये जद्दोजहद हिंदुस्तान की रियासत के खिलाफ है, तो हम उनके साथ खड़े रहे हैं माजी में और अब भी खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप तमाम का बहुत शुक्रिया।